हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो हमें स्कूल में ना कभी सिखाई जाती है और ना ही बहुत लोगों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ये पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ये चीज समझ आ गई जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपके लिए अमीर बनना और एक कम्फर्टेबल लाइफ जीना गारंटीड है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे इस सवाल का जवाब देना। इमेजिन करो, तीन दोस्त है, तीनों 20 साल के और अपना करियर स्टार्ट कर रहे, और तीनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है। तो सबसे पहला दोस्त है रॉकी। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। इसने बहुत ही कम उम्र में ये बुक रीड कर ली थी जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसके अंदर ये पे योरसेल्फ फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को पे करना होगा। मतलब जैसे ही आपको सैलरी मिलती है तो अपने शॉपिंग के बिल्स भरने से पहले, यानी दूसरों को पे करने से पहले, आपको उसका एक पोर्शन अपने लिए रखना होगा, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो रॉकी इस बात को बहुत ही सीरियसली फॉलो करना चाहता था, और वो हमेशा से यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द इस रैट रेस से, यानी जॉब से छुटकारा पा ले और जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो इसीलिए उसने एक इंडेक्स फंड में SIP सेट कर दिया। अब उसने ये इंडेक्स फंड क्यों चुना, इसको मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। और ये SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे हर महीने उसकी सैलरी से ऑटोमेटिकली 20,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे थे उसके प्लान के मुताबिक। अभी 20,000 रुपीज उसकी सैलरी का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन था, तो शुरुआत में उसके लिए ये काम थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि उसकी ऑलमोस्ट पूरी सैलरी वहाँ SIP में जा रही थी। लेकिन उसे बार बार ये पे योर सेल्फ का कॉन्सेप्ट याद आ रहा था, और उसे ये भी पता था कि अगर उसको कभी प्रॉब्लम होती है, जैसे अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो इस SIP को कभी भी स्टॉप कर सकता है बिना कोई पेनल्टी के। ये एक EMI की तरह नहीं है जिसमें आपको पैसा भरना ही पड़ता है, तो इसीलिए उसको इस SIP से इतना टेंशन नहीं था। और साथ में उसने अपना जॉब भी पूरे दिल से किया, तो जैसे ही उसकी सैलरी इंक्रीज होने लगी तो वो उन एक्स्ट्रा पैसों को अपने घर के खर्चे के लिए स्पेंड करने लगा। लेकिन उसने कभी अपनी SIP स्टॉप नहीं की, और वो ये चीज डिसिप्लिन के साथ अपनी पूरी 20s में करता रहा, मतलब 20 साल की उम्र से लेके 29 साल की उम्र तक। तो ये साल का इन्वेस्टमेंट होता है 2,40,000, और 10 साल का होता है 24 लाख का इन्वेस्टमेंट। अब दूसरी तरफ मोंटी, अपनी 20s में वो अपनी पूरी सैलरी एंजॉय करता रहा, और फाइनली जब वो 30 साल का हुआ और जब उसका पहला बच्चा हुआ, तब जाके उसे फील होता है कि उसे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो इसीलिए वो 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। अब क्योंकि उसे पता है कि वो लेट शुरुआत कर रहा है, तो वो रॉकी के मुकाबले डबल से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, और वो भी डबल टाइम के लिए, मतलब साल के 2,40,000 की जगह पे 5,00,000 रुपए, और वो भी 50 साल की उम्र तक, यानी 20 साल के लिए, जो होता है टोटल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए का। अब तीसरा फ्रेंड है सनी, जो अपने 20s में पूरी सैलरी एंजॉय करता था, लेकिन उसे खर्चा करने की इतनी आदत लग गई थी कि वो पैसा बोरो करके खर्चा करने लगा था, यानी लोन लेके, क्रेडिट कार्ड्स पे शॉपिंग करके, जिसकी वजह से वो अपनी 30s में भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने बिल्स भरने में बहुत पीछे था और इसीलिए उसकी कुछ सेविंग्स हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली उसे ये चीज समझ आ गई कि इन्वेस्टिंग तो करना चाहिए और रिटायरमेंट के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि उसे पता है कि वो हमेशा काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो 40 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, और इसीलिए सनी यहाँ पे मोंटी के मुकाबले डबल ही नहीं बल्कि 4 गुना पैसे इन्वेस्ट करने का प्लान करता है आने वाले 10 सालों तक, मतलब 5,00,000 की जगह पे 20,00,000 रुपए हर साल अपनी पूरी 40s में। तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 2,00,000 रुपयों का। अब दोस्तों, तीनों एक ही जगह इन्वेस्ट करते इंडेक्स फंड में, जहां उनको 15% का कंपाउंडेड ईयरली रिटर्न्स मिलता है, और जब तीनों 50 साल के होते तब वो अपने 50th बर्थडे पे मिलते। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि किसके पास कितनी वेल्थ होगी, या फिर किसके पास ज्यादा वेल्थ होगी? चलिए रिजल्ट्स देखते। तो सबसे पहले सनी, जिसने सबसे लेट शुरू किया था और उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था, उसकी टोटल वेल्थ होती है 5.37 करोड़, और उसने इन्वेस्ट किया था 2 करोड़, तो उसका टोटल प्रॉफिट होता है 3.37 करोड़, जो एक हिसाब से बुरा नहीं है, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हो। लेकिन मोंटी, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट उसका आधा था, यानी 1 करोड़ रुपयों का, उसकी टोटल वेल्थ होती है 6.77 करोड़ की। लेकिन जिसने सबसे कम इन्वेस्ट किया था, वो भी सबसे कम टाइम के लिए, यानी सिर्फ 0.24 करोड़, वो भी शुरुआत के सिर्फ 10 साल में, तो उसकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, रॉकी के पास टोटल वेल्थ है 10.5 करोड़ की। अब आप इमेजिन करो कि अगर रॉकी 30 साल के बाद और ज्यादा इन्वेस्ट करता तो उसका पोर्टफोलियो कितना बड़ा होता। अब क्योंकि रॉकी 30 साल की उम्र में जॉब छोड़ के फ्री हो गया था, तो उसने वो पैसा इंडेक्स फंड से विड्रॉ करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया,
क्योंकि उसकी नॉलेज इम्प्रूव हो चुकी थी, जिससे उसको 15% की जगह पे 18% मिल रहा था, जो मेरे हिसाब से डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू आपको इजीली मिल सकता है। तो इसीलिए उसकी एक्चुअल वेल्थ 10 करोड़ नहीं बल्कि 18 करोड़ की होती है, और उसने सारी वेल्थ क्रिएट करी सिर्फ उस छोटे से इन्वेस्टमेंट पे। और इतना ही नहीं, उसको उसके पोर्टफोलियो से 1.5% का डिविडेंड मिलता है, जो साल का होता है 27 लाख, जिससे उसका पूरा मंथली खर्चा आसानी से निकल जाता है। बाकी दोनों को अपनी वेल्थ का एक हिस्सा विड्रॉ करना पड़ता है, जिससे उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती रहती है। लेकिन रॉकी को उसके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को टच भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे उसका पोर्टफोलियो और ज्यादा स्पीड में ग्रो होता रहता है। तो दोस्तों, इस सिंपल एग्जांपल से हमें बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। सबसे पहली तो ये कि लोग हमेशा कहते हैं इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, या फिर यू ओनली लिव वंस, तो जैसा मन करता है वैसा रहो। अब दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन दूसरा सच ये भी है जिसको लोग हमेशा इग्नोर करते हैं कि डू यू वॉन्ट टू वर्क अंटिल यू डाई, कि आप हमेशा काम करते रहना चाहते हो। क्योंकि इनकम तो टेम्पररी होती है, जब तक आप यंग होते हो तब तक, लेकिन आपके खर्चे हमेशा रहेंगे। अब दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें कुछ भी खर्चे नहीं करने चाहिए, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका 20s का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम। इसीलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह पैसों की वैल्यू होती है उसी तरह टाइम की भी वैल्यू होती है, जिसको फाइनेंस में हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम आने वाले वीडियोस में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए अगर आप अपने 20s में हो और किसी ऐसे आदमी को देखते हो जो 50 साल का है और उसके पास ज्यादा पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ज्यादा अमीर है। ये एक गलत कंपैरिजन है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर को किसी और की लाइफ के 10th चैप्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको अभी भी और बहुत सारे पेजेस पलटना बाकी है, और जब तक आप अपनी लाइफ के 10th चैप्टर तक पहुंचोगे तो हो सकता है आप उससे ज्यादा आगे निकल जाओ। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, जब आप ये चीज समझ जाओगे तो आप बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। क्योंकि पैसों के साथ आपकी नॉलेज भी कंपाउंड होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी कंपाउंड होता है, और आपका मेंटल पावर भी कंपाउंड होता है। और जब आप थोड़ा सा आगे निकल गए तो बाकी लोग आपसे हमेशा पीछे रहेंगे। ये चीज मैंने इस कंपाउंडिंग के वीडियो में डिस्कस की है, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, ये चीजें ऐसी है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, और ना ही हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन हमें ये सीखने मिलता है कि अगर हम रातों रात बहुत कम टाइम में किसी स्टॉक से 20-30% का प्रॉफिट कमा भी लेते, या फिर अगर आप 100% का प्रॉफिट भी कमा लो, मतलब आप अपने पैसों को डबल कर लो, तो भी आप उससे अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो वो 2 लाख रुपए में ग्रो हो जाएगा, लेकिन क्या आप उससे फाइनेंशियली फ्री हो गए? या फिर क्या आप फाइनेंशियली और मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए जिससे आप अपने जॉब को छोड़ के आराम से रिटायर हो सकते हो? तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, या फिर हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस और इतनी नॉलेज नहीं है उतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम करें क्या? तो दोस्तों, अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। वो ये कि जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हो अपने 20s में, तो स्टार्ट में आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंट का रिटर्न देता है वो मैटर नहीं करता है। आपकी लर्निंग का ग्राफ कितना स्पीड में ऊपर जा रहा है वो मैटर करता है। क्योंकि जितना स्पीड में आप अपनी 20s में नई चीजें सीख सकते हो, उतना स्पीड में आप अपनी 30s या 40s में नहीं सीख पाओगे, और ये बहुत सारी रिसर्च के थ्रू प्रूवन है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को मैं एक टाइमलेस एडवाइस देना चाहता हूँ। वो ये कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो एक दिन में जितने रुपए से फ्लक्चुएट होता है, उतना आप एक टाइम पे पूरे साल में सेव करके इन्वेस्ट करते थे। ये कंपाउंडिंग का एक ऐसा जादू है जो बिल्कुल नेचुरल है, और ये हमेशा ऐसे ही काम करेगा, जो मैक्सिमम लोग को समझ नहीं आता है। तो इसीलिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से पहले आपको मेंटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, उनको पॉवर्टी का डर होता है कि फ्यूचर में पैसे कहाँ से आएंगे, और जिनके पास ज्यादा पैसा होता है तो उनको पैसा खत्म होने का डर होता है कि फ्यूचर में पैसे कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने तो मिला होगा। अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप कोई वीडियोस मिस ना कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।